जॉब की तलाश है, जॉब नहीं मिल रहा है। ये आरसीटी का सामने का गेट है, सैलरी रुकी हुई 8 महीने से, पहले वहाँ पता करते हैं कितने गेट अभी रिपेयर हो रहा है। मेरे को बोला भाई नो वैकेंसी, रिज्यूम दे दिए, देखते हैं कॉल आता है कि नहीं। तो भाई साहब ये पीछे वाले शॉप में भी यहाँ भी फुल है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्रीकाल। तो एक और नए व्लॉग में, एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई साहब अभी सुबह के बज रहे हैं 10, अभी निकल रहे हैं हम भाई घाट को आरसीटी के लिए। जॉब की तलाश है, जॉब नहीं मिल रहा है भाई पिछले 10 दिन से। यहाँ से कमानी जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ के फिर आगे चले। बने रहिए, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी। भाई साहब फाइनली अभी हम आरसीटी पहुंच चुके हैं। ये आरसीटी का सामने का गेट है। पहले मैं जहां जॉब करता था मार्केट 99 में, वहां पे लगभग 5-6 हज़ार सैलरी रुकी हुई 8 महीने से, पहले वहां पता करते हैं क्यों रुकी हुई है। ठीक है, चले चलते। तो भाई साहब गेट के सामने आरसीटी कुछ इस तरीके का दिखता है। सामने ऊपर का लॉबी ऐसा दिख रहा है और बाहर ऐसे। भाई मॉल वॉल तो सेम ही दिखते हैं भाई साहब, कोई भी मॉल हो सभी एक तरह के। चले पहले चेक करते हैं भाई, जॉब की तलाश नहीं तो आए, पहले चेक करते हैं मार्केट 99 में मेरी पेमेंट क्यों नहीं है। भाई लोग बोलते हैं बहुत सारा सामान चोरी हुआ। भाई चोरी हुआ तो तुम कैमरे में हो, तुम अपना देखो ना यार, कैमरे में हो तुम पकड़ो अगर कोई चोरी कर रहा है। अब इतनी बड़ी मार्केट 99 में दो दो गेट बना दिए, 2-3 लोग काम करने वाले, कहाँ से होगा। चले बात कर लेते, देखते हैं क्या होता है, फिर आपसे आगे बात करेंगे। और भाई आज जुमा भी है भाई, एक जमात यहाँ दरगाह पर रखी, वहाँ नमाज भी पढ़नी भाई। ये है स्नो वर्ल्ड। A few moments later. अभी बात कर लिया मैंने जो अभी मार्केट 99 का मैनेजर है, उनसे बात करके आपको बताता हूँ। और तब तक के अभी 1 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई नमाज़ पढ़नी। तो 1:15 पे यहाँ पे दरगाह पे वहीं जा रहे हैं। तो भाई साहब हम पहुँच चुके हैं दरगाह पे, ये वाली दरगाह, और यहाँ पे मस्जिद है। अभी उसका गेट भाई बन रहा है, ये देख सकते हैं गेट अभी रिपेयर हो रहा है। चले भाई नमाज अगर लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे। A few moments later. तो भाई साहब फाइनली नमाज हो चुकी है जुमे की, और अभी चलते हैं वापस मॉल। A few moments later. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई साहब मार्केट 99 के जो मैनेजर है उन्होंने कॉल कर रहे थे, बट कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने, मतलब एरिया मैनेजर जो है मार्केट 99 का। तो उनका मैंने नंबर ले लिया, बोला फोन करके आप उनसे बात कर लीजिएगा कैसा है क्या है, फिर वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई अभी थोड़ा वैकेंसी देख लेते, 2-3 शॉप में मिलती है कि मिस्टर DIY वहाँ चेक कर लेते क्या भाई। तो भाई साहब यहाँ पे खाली नहीं है, मैनेजर ने मेरे को बोला भाई नो वैकेंसी, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए भाई अभी रिलायंस में चेक कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ भी नहीं खाली है, रिज्यूम दे दिए, देखते हैं कॉल आता है कि नहीं। कॉल आने वाली बात तो बहुत लंबी हो जाती है भाई, 1 महीना 2 महीने चल जाता है। भैया रिज्यूम मैंने पीछे भी जमा कर दिया, यहाँ भी चेक कर लिया और डिजिटल में भी चेक कर लिया। अभी चलता हूँ भाई नीचे, और कुछ मिलेगा तो वहाँ भी चेक कर लेते हैं भाई, चेक करने में क्या जा रहा है। यहाँ पे शॉप है यहाँ सामने, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं नीचे वाले वहाँ पे। A few moments later. भाई साहब ये पीछे वाले शॉप में भी यहाँ भी फुल है, और अभी लगता है दिवाली के बाद ही सब लोग छोड़ेंगे तभी खाली होगा भाई। सामने डिकैथलॉन है, वहाँ पे तो मैंने रिज्यूम मेल कर दिया था, वहाँ पे अभी तक कुछ कॉल वॉल आया नहीं है। A few moments later. भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। रिलायंस स्मार्ट स्टोर से कॉल आ गया भाई, अभी भी मैं रिज्यूम देखे हैं और फाइनली अभी के अभी आ गया। चलिए देखते हैं क्या है। सब ये वाली स्टोर में रिलायंस स्मार्ट में हो चुका है, और कल 12:30-1 बजे आना है भाई। भाई साहब अभी आ चुके हैं कमानी में, अभी चलते हैं घर पे भाई, लगभग 3:30 बज चुके हैं, खाना वाना खाएंगे भाई, भूख बहुत जोर की लग रही है।